Hey guys, welcome on my YouTube channel of Shrini Lecture with Rangini Goswami. So, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर कंजनाइटल माल फॉर्मेशन ऑफ फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में. ऑलरेडी ये चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, इसके 2 से 3 लेक्चर आ चुके हैं जिसमें मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था डेवलपमेंटल अनामलीज ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में. उसमें हमने डिस्कस किया था पेरिनियल या फिर जिसको हम वेस्टिबुलर एनस कहते हैं उसके बारे में. उसके बाद हमने एक्टोपिक यूरेटर को डिस्कस किया था. आफ्टर दैट हमने वेजाइनल एबनॉर्मलिटीज स्टार्ट की थी, इसमें हमने नैरो इंट्रोइटस को डिस्कस किया था. उसके बाद हमने हाइमन एबनॉर्मलिटी को डिस्कस किया था, जिसमें जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो मैं एक बार और क्विक रिवीजन के साथ बता देती हूँ. हमने पढ़ा था हिमैटोकॉल्पस, हिमैटो सेल्पिंग्स और हिमैटोमेट्रा. दैट मीन्स कि जब हाइमन इम्परफोरेट है, जो भी मेनस्ट्रल ब्लड है, जब वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से अगर यूट्रस के अंदर भर रहा है सारा का सारा मेनस्ट्रल ब्लड, तो उसको हम बोलते हैं हिमैटोमेट्रा. यू कैन सी इट, यहाँ पर लिखा हुआ है हिमैटोमेट्रा. उसके बाद दूसरा आता है हिमैटोकॉल्पस. हिमैटोकॉल्पस का मतलब है कि अगर वेजाइना के अंदर मेनस्ट्रल ब्लड भर रहा है तो उसको हम बोलेंगे हिमैटोकॉल्पस. आफ्टर दैट अगर बहुत रेयर केसेस में या फिर बहुत इग्नोर्ड केसेस में एक और टर्म आती है, इसको हम बोलते हैं हिमैटोसेल्पिंग्स. हिमैटोसेल्पिंग्स का मतलब है जो फैलोपियन ट्यूब है, अगर वहां तक भी ब्लड चला जाता है, मेनस्ट्रल ब्लड फिल होने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं हिमैटोसेल्पिंग्स. सो ये थी एक बेसिक सी बात जो हम मैंने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर दी थी. आज हम बेसिक बात करने वाले हैं विजाइनल माल डेवलपमेंट्स के बारे में, जो कि प्रीवियस 3 टॉपिक जो थे वो बच गए थे. तो उसमें सबसे पहले आता है एजेनेसिस ऑफ वेजाइना. दैट मींस कि जो वेजाइना है अगर वो प्रॉपरली नहीं फॉर्म हुई है, उसकी एजेनेसिस है, मतलब ए मतलब एब्सेंस, जेनेसिस मींस फॉर्मेशन. सो अगर उसका फॉर्मेशन नहीं हुआ है वेजाइना का, तो सबसे पहला माल डेवलपमेंट वो आता है. दूसरा माल डेवलपमेंट है अगर उसका वर्टिकल फ्यूजन में फेलियर हो गया है या फिर उसके लेटरल फ्यूजन में फेलियर हो गया है, तो ये और वेजाइना माल डेवलपमेंट में आता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट. तो सबसे पहले हम बात करेंगे, नेक्स्ट पेज पर ही है. तो सबसे पहले स्टार्ट होता है इटियोलॉजिकल फैक्टर्स. इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं, इसकी पैथोलॉजी क्या है. सो बेसिकली जो मुलेरियन माल फॉर्मेशन है, मतलब मुलेरियन डक जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बनाती है, सो अगर उसमें मुलेरियन माल फॉर्मेशन है, उसकी वजह से ये एजेनेसिस हो जाती है वजाइना में, ठीक है. दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है दैट इज द वर्टिकल फ्यूजन डिफेक्ट. वर्टिकल फ्यूजन डिफेक्ट क्यों होगा, रिजल्ट इन फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ द मुलेरियन सिस्टम विद यूरोजेनाइटल साइनस. जो यूरोजेनाइटल साइनस है, दैट मीन्स जो यूरिनरी सिस्टम का और जो जेनाइटल सिस्टम का साइनस है उसके बीच में और मुलेरियन सिस्टम के बीच में अगर फेलियर हो जाता है फ्यूजन होने का, तो उसको हम कहेंगे वर्टिकल फ्यूजन डिफेक्ट. उसके बाद नेक्स्ट आता है डिसऑर्डर ऑफ लेटरल फ्यूजन आर आल्सो ड्यू टू फेलियर ऑफ टू मुलेरियन डक्ट टू यूनाइट. जब दो मुलेरियन डक्ट यूनाइट नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लेटरल फ्यूजन में डिसऑर्डर हो जाता है. तो यहाँ पर इतना कुछ भी खास इंपॉर्टेंट नहीं था. सो यहाँ पर मैं आपका काफी पोर्शन यहाँ पर छोड़ती जा रही हूँ, क्योंकि अभी हम वो टॉपिक्स क्लियर कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट. ठीक है बच्चों, सो अभी हम क्या शुरू करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक में एक हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो देखने को मिलती है, ऊपर आप लोग अभी डायग्राम में देखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द माल फॉर्मेशन ऑफ द मुलेरियन डक्ट. और ये चीज आपको ना बार बार पढ़ने को मिलेगी. तो एक बार आज इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर. तो देखो क्या नजर आता है आपको. सबसे पहले यहाँ पर आपको माल फॉर्मेशन ऑफ द मुलेरियन डक्ट में सबसे पहला दिया हुआ है, जो ए दिया हुआ है, ये है सर्वाइको वेजाइनल एजेनेसिस, जिसका मतलब है कि सर्विक्स और वेजाइना दोनों ही नहीं बने हैं, तो उसको हम बोलेंगे सर्वाइको वेजाइनल एजेनेसिस. उसके बाद नेक्स्ट है यूट्रस यूनिकॉर्निस, दैट मींस कुछ यूट्रस है. देखो यहाँ पर वेजाइना सर्विक्स नॉर्मल जैसा बनना था वैसा बना, बट जो यूट्रस है वो यूनिकॉर्निस है, मतलब वो जहां पर ओपनिंग होती है. लाइक अगर हम यहाँ पर बात करें, जिसमें हम पूरा यूट्रस प्रॉपरली दिख रहा है थोड़ा सा, तो इसकी ये जो ओपनिंग होती है, यूट्रस की जो ओपनिंग होती है इनटू द फैलोपियन ट्यूब, उस पोर्शन को बोलते हैं, उस जगह को बोलते हैं कॉर्नुआ या फिर कॉर्नस. तो इसमें क्या है, इस यूट्रस में सिर्फ एक ही साइड में बन रहा है कॉर्नस, तो इसको हम बोलेंगे यूनिकॉर्निस.
यूट्रस यूनिकॉर्नस। उसके बाद जब हम नेक्स्ट वाले पे जाते हैं, ऑप्शन सी आपको जो दिख रहा है उसमें लिखा है यूट्रस डाइडल्फस। यूट्रस डाइडल्फस का मतलब क्या है? दैट मींस इसमें दो सर्विक्स, दो वेजाइना, दो यूट्रस, बिल्कुल देखो सब बटा बटा हुआ है। ये अलग बने हुए हैं, ये अलग बने हुए हैं, यहाँ पर लिखा भी है यूट्रस डाइडल्फस। अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी, सारी चीजें आपके बुक में ही दी हुई हैं। नेक्स्ट आता है यूट्रस बाइकॉर्निस यूनिकॉलस। बाइकॉर्निस यूनिकॉलस का मतलब क्या है कि इसके जो कॉर्नुआ है वो तो दो है बट इट इज यूनिकॉलस। यूनिकॉलस का मतलब है कि ये जो बजाना है ये अपना प्रॉपरली बनी हुई है, ठीक है, या फिर सॉरी जो सर्विक्स है वो प्रॉपरली बना हुआ है, उसको हम बोलेंगे यूट्रस बायकॉर्निस यूनिकॉलस। इसकी जो कॉर्नुअस है वो तो दो है बट अगर हम बात करें सर्विक्स की तो वो एक है। नेक्स्ट आता है यूट्रस सेप्टम। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि यूट्रस पूरा बना हुआ है, अच्छे से फॉर्म है, बट यूट्रस के बीच में सेप्टम बनता है, दैट मींस ऊपर का जो फंडस वाला पार्ट है वो आपको थोड़ा सा नीचे और दिख रहा है, दैट इज द यूट्रस सेप्टम। लास्ट आता है रूडिमेंट्री हॉर्न, या इसको हम कह सकते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग। तो यहाँ पर देखो ये एक तरीके का रूडिमेंट्री हॉर्न बन गया है, मीन्स यहाँ पर कुछ भी नहीं है, खाली है, एक इनका कोई कम्युनिकेशन भी नहीं है इनके बीच में, तो इसको हम बोलते हैं रूडिमेंट्री हॉर्न। तो आई होप कि आपको काफी कुछ इसमें समझ में आया हो, जो कि इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। तो अभी हम थोड़ा सा और आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैंने ये नया सिस्टम थोड़ा सा देखा है वीडियोस बनाने का। गाइस आपको को ऐसे वीडियोस पसंद आए अगर इस तरीके से जैसे मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, सो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। में आगे और ऐसी वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर दिया हुआ है फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ द मुलेरियन डक्ट। बेसिकली आपको याद रखना है अगर हम फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं तो फीमेल में हमेशा मुलेरियन डक्ट के बारे में बात होगी, मेल्स में होती है वॉल्फियन डक्ट। तो मुलेरियन डक्ट होती क्या है, अभी आप लोग ये सोचोगे अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है। सो जो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर से बाद में मेल और फीमेल जो कुछ भी पार्ट बनता है, तो जो मुलेरियन डक्ट होती है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बनाती है, इसीलिए हर जगह फीमेल में मुलेरियन डक्ट का नाम आता है। इन मेजोरिटी द प्रेजेंस ऑफ डिफॉर्मिटी एस्केप्स अटेंशन। मेजोरिटी केसेस में क्या होता है कि हमें डिफॉर्मिटी पता नहीं चलती है यूट्रस की। The detection is made accidentally during investigation of infertility. ये सब हमें तब पता चलता है जब हम infertility की या फिर जो repeated pregnancy wastage हो रहा है, that means कि अगर अच्छे से pregnancy नहीं हो पा रही है, बार बार miscarriages हो रहे हैं, हम उन cases में इन चीज़ों को find out कर सकते हैं, वरना otherwise पता नहीं चलता है कि female को क्या problem है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ फ्यूजन एनामलीज दिए हुए हैं जो मैंने अभी आपको बताए भी थे। पहला यहाँ पर दिया हुआ है आर्कुएट, दैट मीन्स द कॉर्नुअल पार्ट्स ऑफ द यूट्रस आर रिमेन सेपरेटेड। जो कॉर्नुअल पार्ट है यूट्रस के वो सेपरेटेड है। यूट्राइन फंडस लुक्स कॉनकेव विद हार्ट शेप्ड कैविटी आउटलाइन। तो ये हो गया आर्कुएट जो कि 18% लोगों में होता है। नेक्स्ट आता है यूट्रस डाइडल्फस। यूट्रस डाइडल्फस क्या है, मैंने अभी आपको पढ़ाया था यूट्रस डाइडल्फस के बारे में, जिसमें कंप्लीट लैक ऑफ फ्यूजन, जिसमें मुलेरियन डक्ट का फ्यूजन बिल्कुल होता ही नहीं है, तो उसमें दो यूट्रस, दो सर्वेक्स, दो वेजाइना बनते हैं। नेक्स्ट आता है यूट्रस बाइकॉर्निस, इसमें आपको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ ये सब, तो आप एक बार अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं। दूसरी बात आती है क्लिनिकल फीचर्स की, इसमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स आएंगे अगर इस तरीके से मुलेरियन डक्ट का फ्यूजन नहीं होता है तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है गायनेकोलॉजिकल क्या क्या देखने को मिलेगा, उसके बाद हम देखेंगे कि ऑब्स्टिकल क्या क्या देखने को मिलेगा। सो गायनेकोलॉजिकल अगर हम देखते हैं यहाँ पर, सो पहली बात तो इनफर्टिलिटी एंड डिस्पेरिनिया, दैट मींस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स पेन होगा तो इसलिए पेशेंट हमारे पास आ सकता है, या फिर इनफर्टिलिटी का केस है इस वजह से आ सकता है। ऑफन रिलेटेड इन एसोसिएशन विद द वेजाइनल सेप्टम, या फिर वेजाइना के बीच में सेप्टम बना हुआ है। डिसमेनोरिया इन बाइकॉर्डिनेट यूट्रस और ड्यू टू क्रिप्टोमेनोरिया, तो देखो क्रिप्टोमेनोरिया क्या है, दैट मींस पीरियड्स तो हो रहे हैं बट बाहर आने का रास्ता ही नहीं है, उसको हम बोलते हैं क्रिप्टोमेनोरिया। तो जैसे कि हिमेटोकॉल्पस या फिर हिमेटोसेल्पिंग्स, हिमेटोमेट्रा में आपको बताया था मैंने, क्रिप्टोमेनोरिया होता है। सो यहाँ पर बात आती है डिसमेनोरिया, दैट मींस बहुत पेन होता है लोअर एब्डोमेन में, तो वो किस केस में होता है, बाइकॉर्डिनेट यूट्रस में। नेक्स्ट है मेनस्ट्रुअल डिसऑर्डर, जैसे कि मेनोरेजिया, ओवर ब्लीडिंग हो रही है, क्रिप्टोमेनोरिया, हैवी ब्लीडिंग हो रही है मेनोरेजिया, क्रिप्टोमेनोरिया दैट मींस मैं ऑलरेडी आई टोल्ड यू। नाउ
अभी बात आती है कि मेनोरेजिया क्यों हो रहा है बाइकॉर्निएट यूट्रस में, क्योंकि बाइकॉर्नुएट है, दो दो कॉर्नुआ बन गए हैं, यूट्रस का स्पेस ज्यादा हो गया, सरफेस एरिया ज्यादा हो गया है, तो इसीलिए मेनोरेजिया होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्स्टेटिकल के बारे में, तो इसमें क्या पता चलेगा कि मिड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन हो रहा है, ठीक है, एंड उसके बाद रूडिमेंट्री हॉट प्रेगनेंसी, ऑलरेडी आई शो यू कि मतलब ऐसी प्रेगनेंसी हुई है जो बिल्कुल अच्छे से उसका कोई प्रोडक्ट भी नहीं बना, रूडिमेंट्री हॉर्न प्रेगनेंसी। और कॉर्नुअल प्रेगनेंसी, ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है रूडिमेंट्री हॉर्न प्रेगनेंसी में अकर ड्यू टू ट्रांसपेरिटोनियल माइग्रेशन ऑफ अ स्पर्म और ओवम फ्रॉम द अपोजिट साइड। कॉर्नुअल प्रेगनेंसी वैसे एक्टोपिक इनवाइबिलिटी एंड्स इन रप्चर अराउंड 16th वीक। सो 16 वीक पर जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, दैट मींस जो ट्यूबल प्रेगनेंसी है, इसको हम कॉर्नुअल प्रेगनेंसी बोलते हैं, वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। सर्वाइकल इनकम्पिटेंस पता चलता है हमें ऑब्स्टेटिकल में, प्री टर्म लेबर करना पड़ता है, आईयूजीआर, दैट मींस कि इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, बच्चा अच्छे से नहीं होता है, आईयूडी, दैट मींस इंट्रा यूट्राइन डेथ, बच्चे की डेथ हो जाती है, एंड दिस इज ऑल अबाउट, जिसमें इतना इंपॉर्टेंट था ऑलरेडी आई टोल्ड यू, ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो प्रोलॉन्ग लेबर हो सकती है, क्योंकि जो यूट्रस है इट इज इनकोऑर्डिनेट, ये कोई कोऑर्डिनेशन में तो चल नहीं रहा है। जब आप लेबर के आपने पूरा मैकेनिज्म पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि यूट्रस एक बहुत प्रॉपरली वे में वर्क करता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है, ऊपर का रिलैक्स कर रहा है तो नीचे का कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नीचे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ऊपर का रिलैक्स करेगा, इस तरीके से प्रोसेस चलता है। तो प्रोलॉन्ग लेबर हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन बाय द नॉन ग्रेविड हॉर्न ऑफ बाइकॉन्वेट यूट्रस और अ रूडिमेंट्री हॉर्न। अब बात आती है डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो डायग्नोसिस के लिए सिंपल सा आपको रखना है हिस्टेरोस्कोपी, यूट्रस में है तो हिस्टेरोस्कोपी करवाएंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी करवा सकते हैं, एमआरआई करवा सकते हैं, दीज ऑल आर दी थिंग्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन दिस। आफ्टर दैट आई थिंक देयर इज नो नथिंग इंपॉर्टेंट लाइक दिस, ठीक है। फिर बात आ जाती है एबनॉर्मलिटीज ऑफ फैलोपियन ट्यूब की, मैंने एबनॉर्मलिटीज ऑफ वजाइना पढ़ा दिया, एबनॉर्मलिटीज ऑफ फेलोपियन ट्यूब के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, द ट्यूब मे बी अनड्यूली इलॉन्गेटेड, या तो वो जो फेलोपियन ट्यूब है वो बेसिक उसका जो साइज होता है, जो लेंथ होती है, इट इज 10 सेंटीमीटर, तो अगर वो 10 सेंटीमीटर से लंबी है, ज्यादा लंबी है, तो उसको हम एक एबनॉर्मलिटी मानेंगे। रेयरली द ट्यूब मे बी अब्सेंट, ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि ट्यूब हो ही ना, या फिर सिर्फ एक साइड की हो, ठीक है। दिस कंडीशंस में लोअर द फर्टिलिटी, तो ऑब्वियसली आप सबको पता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे होता है, और अगर ये जो फैलोपियन ट्यूब है ये प्रॉपरली नहीं बनी है, या फिर अगर प्रेजेंट नहीं है, तो इट मे लीड टू द इनफर्टिलिटी, लोअर फर्टिलिटी, एंड ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी कॉज करवा सकते हैं। सो इट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम फॉर द फीमेल। नाउ आगे हम पढ़ेंगे दैट इज द अनामलीज ऑफ द ओवरीज, ओवरीज की क्या अनामलीज हो सकती है, तो देखो ओवरी का अगर हम बात करें तो यहाँ पर देयर मे बी स्ट्रीक गोनाड और अ गोनाडल डिसजेनेशन विच आर यूजली एसोसिएटेड विद द एरर्स ऑफ अ सेक्स क्रोमोसोमल पैटर्न, नो ट्रीटमेंट इज एनी हेल्पफुल एससरी ओवरी, ठीक है। एससरी ओवरी का मतलब है कि एक और ओवरी हो, ठीक है, एसरी ओवरी। तो ये ऐसा किसमें मिलता है, अराउंड 93,000 केसेस में से किसी एक के अंदर हमें देखने को मिलेगा, एंड रेयरली सुप्रा न्यूमरी ओवरीज में भी फाउंड, ठीक है, सुप्रा न्यूमरी में काफी कम देखने को मिलता है, और ये चीज में पता तब चलती है जब दोनों ओवरीज रिमूव हो गई हो, उसके बाद भी अगर मेंसेस कंटिन्यू है, दैट मींस कि एक और ओवरी प्रेजेंट है, तो ये काफी रेयर चीजें हैं, ऐसा नॉर्मली पता नहीं चलता है। सो ये सब रेयर केसेस के लिए पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वॉल्फियन रेमिनेंट एबनॉर्मलिटीज के बारे में। सो वॉट इज दिस, द आउटर एंड ऑफ द वॉल्फियन डक्ट, या फिर जिसको हम गार्टनर्स डक्ट भी बोलते हैं, व्हाट इज वॉल्फियन डक्ट, देखो वॉल्फियन डक्ट इज समवॉट रिलेटेड विद द मेल, ठीक है, उसके मेल के पार्ट्स बनाती है वो, तो जो आउटर एंड होता है वॉल्फियन डक्ट का वो मे बी सिस्टिक हो सकता है, ठीक है, उसका जो साइज है वो एक मटर के दाने के समान होता है, ऑफन पेडेंकुलेटेड, दैट इज द हाइड्रेटेड ऑफ मोरंगिनी,
अटैच नियर द अबाउट ऑफ द ट्यूब, तो वो ट्यूब के ना पास में अटैच हो जाता है, वो जो वॉल्फियन डक्ट का जो एंड है। द ट्यूब्यूल्स ऑफ द गार्टनर्स डक्ट में बी सिस्टिक, तो जो ट्यूब्यूल्स हैं गार्टनर डक्ट की वो सिस्टिक हो सकती हैं। द आउटर वंस एंड कोबाल्ट ट्यूब्यूल्स, ये सब छोड़ दो आप लोग अभी के लिए, ठीक है, अलग आप खुद से भी पढ़ सकते हो, दैट आर नॉट सो मच इम्पोर्टेंट। बट यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज आती है कि कभी कभी क्या होता है कि एक मिसडायग्नोसिस हो सकती है। क्या हो सकता है कि हो सकता है वहां पर वॉल्फियन रेमनेंट की एबनॉर्मलिटी हो, लाइक वहां पर वॉल्फियन डक्ट की वजह से कुछ सिस्ट बन गई हो जो कि काफी बड़ी होती है इन साइज। सो उसके साथ डॉक्टर्स कैन बी कंफ्यूज विद द सिस्टोसील, ठीक है, तो डॉक्टर्स को लग सकता है कि हो सकता है ये सिस्टोसील हो। और अभी बस थोड़ा सा पोर्शन और बचा है एंड फाइनली दिस टॉपिक बना कंप्लीट, ठीक है। तो मैंने एक साथ एक ही क्लास के अंदर काफी कुछ कवर कर दिया, जिससे कि आप लोगों की भी हेल्प रहे, बार बार आपको अलग अलग लेक्चर्स ना देखने पड़े। सो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि डू यू वांट कि आई विल टुक अप अ टॉपिक एंड देन एक्सप्लेन वन टॉपिक इन वन वीडियो। सो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, अदरवाइज यू वांट कि मतलब आई जस्ट वांट कि मेक अ वीडियो इन व्हिच आई टोल्ड यू अबाउट अ चैप्टर, वॉट वी हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर। सो जिससे कि आपको बार बार अलग अलग जगह ना जाना पड़े पढ़ने के लिए, अलग अलग वीडियोज पे ना क्लिक करना पड़े। तो आई जस्ट वॉन्ट कि मैं एक लंबा सा वीडियो बना दूँ और उस लंबे से वीडियो में एक वो पूरा चैप्टर को एक्सप्लेन कर दूँ या फिर हाफ ऑफ द चैप्टर एक्सप्लेन कर दूँ। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज दी पैरा ओवेरियन सिस्ट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपको पढ़ने को डेफिनेटली मिलेगा ही, ठीक है, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखता है ये अपनी। सो आप ऊपर देख सकते हो, ये डायग्राम में आपको पैरा ओवेरियन सिस्ट दिखाई गई है। इट अराइजेस फ्रॉम द वेस्टिजियल रेमिनेंट्स ऑफ द वॉल्फियन टिश्यू सिचुएटेड एट द मीजो प्लिंक्स बिटवीन द ट्यूब एंड द ओवरी। आप देख सकते हो ये नीचे ओवरी है और ऊपर ये फेलोपियन ट्यूब पूरी आ रही है। सो इसके बीच में ये इतनी बड़ी साइज की जो प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं पैरा ओवेरियन सिस्ट, ठीक है। इसका साइज बहुत बड़ा होता है, ये यूनि लॉक्युलर होती है, इसकी वॉल्स काफी थिन है, ट्रांसवेट फ्लूइड भरा होता है इसके अंदर, ठीक है। सो ये सारे बेसिक चीजें हो गई पैरा ओवेरियन सिस्ट के बारे में। मूव टू द नेक्स्ट अदर एबनॉर्मलिटीज, इसमें से कुछ भी खास भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो आप चाहो तो एक बार इससे गो थ्रू हो सकते हो, अदरवाइज नथिंग इज इंपॉर्टेंट इन दिस पॉइंट, ठीक है। So I hope guys you all are like this video, and if you like then please hit like button, subscribe my YouTube channel because this is my new channel, and please support. Till then bye bye, take care, we'll see you next lesson. Wait, tab tak ke liye just do your study and also follow me on the Unacademy learning app if you want to brush up your old concepts, okay, because basically I teach those student who want to brush up their concepts, so basic concepts hum clear karte hain. So till then bye bye, take care.